हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने आश्रम टेक्नोटेक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल पे ही कमेंट हमेशा आते रहते हैं कि डिग्री ऑनलाइन हमने कर दिया है लेकिन अभी तक हमारा डिग्री हमारे घर पे नहीं पहुंचा, तो क्या करेंगे इसके लिए। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं उस एप्लीकेशन की ओर। कैसे लिखना है उसके बारे में हम बताएंगे अब। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पीडीएफ फाइल करके सेव करके रखा है। इसका पीडीएफ फाइल और एमएस वर्ड फाइल जिसमें आप एडिट करके आप भर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, पहले हम पढ़ के आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्या क्या इसमें करेक्शन करना है। तो जैसा कि ऊपर देख सकते हैं आप, सेवा में कुलपति महोदय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी ऑफ अयोध्या उत्तर प्रदेश, विषय में यूनिवर्सिटी द्वारा डिग्री प्राप्त न होने के कारणवश प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, श्रीमान सादर निवेदन यह है कि मैं संदीप कुमार सनाफ रामिनल, तो इसमें आप अपना नाम डाल दीजिए, सनाफ रामिनल मोहल्ला शास्त्री नगर पोस्ट 33 बाजार सिद्धार्थ नगर का निवासी हूँ तथा मैं प्रार्थी नंदी नगर विधि महाविद्यालय नवाबगंज गोंडा सन 2020 में LLB उत्तीर्ण कर चुका हूँ, जिसका रोल नंबर 1843078 है तथा महोदय मैंने दिनांक 1/8/2021 को डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था जो कि 3 महीने से अधिक हो चुके हैं और डिग्री अभी तक प्रार्थी के पते पर नहीं पहुंचा। महोदय, इस प्रार्थना पत्र के साथ साथ मैंने डिग्री की ऑनलाइन कॉपी की छाया प्रति को भी अंकित किया है जिसके माध्यम से आपको डिग्री निकलवाने व भेजने में काफ़ी आसानी होगी। मतलब कि जो मैंने 3 महीने पहले ऑनलाइन किया था उसका छाया प्रति भी हमको भेजना है साथ में इस एप्लीकेशन के साथ में। तो चलिए आगे, अतः श्रीमान जी आपसे विनय पूर्ण निवेदन है कि प्रार्थी की समस्या का निवारण करें और साथ ही साथ डिग्री ऑनलाइन आवेदन पत्र की सहायता आवेदन पत्र की छाया प्रति को देखते हुए प्रार्थी के पते पर डिग्री भेजने की कृपया करें। फिर आप नीचे चले आएंगे, प्रार्थी जहाँ लिखा है उसके नीचे अपना नाम दे देंगे और अपने पिता का नाम, जैसे हमने दिया है संदीप कुमार सनाफ रामिनल, और उसके नीचे आप रोल नंबर दे देंगे 1843078 हमने दिया है, और अपना रोल नंबर दीजिए और नीचे अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अब आपको करेक्शन कहाँ कहाँ करना है तो चलिए हम आपको बता दें। इसमें आपको करेक्शन यहाँ पर करना है जहाँ लिखा है ये इतना दूर आपको ये करेक्शन करना है, ये आपका नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से मोहल्ला शास्त्री नगर नगर पोस्ट 33 बाजार और सिद्धार्थ नगर, इतना आपको करेक्शन करना है। यहाँ पे करेक्शन करके आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपना एड्रेस डाल दीजिए। उसमें डालने के बाद अब इतना तो हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको दिखा दें साथ महोदय, हाँ महोदय, इस प्रार्थना पत्र के साथ ही साथ मैंने डिग्री ऑनलाइन कॉपी की छाया प्रति अंकित किया है। मतलब कि 3 महीने पहले हमने ऑनलाइन किया था उसका छाया प्रति इसमें लगा के, और जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे या टाइप करेंगे उसको लगा के एक लिफाफे में पैक करके उस पर नाम लिख के कुलपति का आप यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे आप भेज सकते हैं इसी एड्रेस पे। तो सबसे पहले आप इसमें आएंगे, आप देख सकते हैं लिफाफे को, लिफाफे में 2 वाले में आप वहाँ का एड्रेस यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालेंगे, और नीचे फॉर्म में देख सकते हैं आप, इसमें आप अपने घर का एड्रेस सही सही डालिएगा जिसमें पिन कोड भी आपका होना चाहिए। पिन कोड आप डालेंगे तो उसी पोस्ट ऑफिस द्वारा उसी एड्रेस पे आपका डिग्री पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों आपको कि डिग्री अगर ऑनलाइन आपने किया है और ये एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं तो ध्यान रहे दोस्तों, डिग्री ऑनलाइन किए हुए 45 दिन से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 45 दिन से ऊपर हो जाएगा या 3 महीने से ऊपर हो जाएगा तभी आपका ये एप्लीकेशन जो देंगे ये वहाँ पर एक्सेप्ट होगा, नहीं तो 45 दिन के अंदर आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और यूनिवर्सिटी द्वारा उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
और 45 दिन के बाद अगर आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं या 3 महीने के बाद एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ये वहाँ से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और इस एप्लीकेशन को आपको रजिस्ट्री करवाना है, ना कि स्पीड पोस्ट हो, स्पीड पोस्ट आपको नहीं करवाना है, इसको आप रजिस्ट्री करवाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।